Şovcu yeri burası, şovcunun yeri burası bak. Street food में जब भी यहाँ पे हो ये मीडिया भी आप लोग ग्लास में ट्राई करना। ये आंते बेसिकली लिपटी नहीं है, सारी ऐसे बहुत टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे ये मछली वाले अंकल होते हैं जो कि बहुत सस्ती मछली दे रहे हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्राइज, क्या चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? सो आज वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ स्ट्रीट फूड इन इस्तांबुल। अगर आप इस्तांबुल कभी आओ और आप लोग स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, फूड ब्लॉग टाइप है इसको देख के आप लोग जब भी इस्तांबुल में आओ तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। और कहाँ से ट्राई करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस टाइम हम लोग आए हुए हैं ओर्ताकोए में, और ओर्ताकोए में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो है कुम्पीर। कुम्पीर क्या होती है आप लोग अभी चल के देखोगे, अंकल कोई बनाएगा जो भी बना के दिखाएगा जिस तरह से बनाता है वो भी चल के देखते हैं उसको। तो चल के सबसे पहले कुम्पीर ट्राई करते हैं, उसके रेट्स क्या होंगे इस टाइम वो भी चल के देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके जी, तो ओर्ताकोए में इस टाइम मैं बिल्कुल आया हूं। मेरे पीछे यहाँ पे सी है जहाँ से बॉस्फोरस के लिए ट्रिप के लिए बस वगैरह जाती है, बस नहीं शिप जाती है। तो 2 घंटे का सफ़र होता है, 1 घंटे का बॉस्फोरस का, वहाँ पे जाके आप लोग बॉस्फोरस का सफर वगैरह कर सकते हो ओर्ताकोए में। अब यहाँ पे मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ पे लाइन में बैठे हैं यार ऐसे कोई दर्जनों के हिसाब से बैठे हैं कुम्पीर वाले। अभी आप लोग देखोगे जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा ना सारे बंदे अपने तरफ बुलाना के लिए अभी आवाज़ें देना शुरू कर देंगे। सारे जो मेरे राइट साइड पे है ना ये सारे कुम्पीर वाले ही हैं और हम इनसे ही ट्राई करते हैं। सलामुअलैकुम, ये हम जैसे आते हैं कदर यूज़ सब हम भी था ना उसमें इनसे हम कुम्पीर लेने जा रहे हैं। कौन सा है ये? सिवास है, सिवास खारा दे नहीं सिवास कुम्पीर सिवास 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 में से ज़ारा। ये सामने पोटैटो को वो किया काटा, उसके अंदर सारे चीज़ वगैरह डाली, अंडे का कुछ डाला। हाँ नाइस, ये देखो जी 130 का है। वो किराया गलत है सर, गलत है सर, गलत है सर, वो आता मुख किराया है। हां गलत पसंद है बिजनेस, हां चैंपियन हो गए। तो यार ये कुम्पीर होती है, आज इसको कहीं बैठ के खाते हैं। क्या क्या बराबर क्या मिल गया क्या क्या किताब क्या हां सही मैं फोटो 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 पहले कहते दिखाओ दिखाओ तो मैंने कहा चलो कोई नहीं नो यार, देखो मुझे पता है स्कैम कर सकते हैं, आई नो टर्किश जो भी बात करेगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं देना उसको ठीक है। अभी अब मुझे कहते हैं कि 10 लीरा तो मैंने तुम्हें खिलाया। ये है जी कुम्पीर, इसको अभी कहीं छाँव में बैठते हैं और इसको डिटेल में आपको बताता हूँ अंदर क्या चीज़ है और किस तरह से टेस्ट है। यार इसके अंदर इतनी चीज़ें ना मैं सबके नाम भी नहीं ले सक रहा। यहाँ पे ये तो जैतून पड़ी हुई है, ये कोई वो है सॉस है स्पाइसी सॉस, ये कोई नॉर्मल सॉस है, ये मायोनीज वाला सॉस है, ये यहाँ पे वो मिसर है और बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़। खैर पहली बाइट लेते हैं और बताते हैं कि ये कैसा है। अच्छा अच्छा इस साइड से भी ले लेते हैं, इस साइड से स्पाइसी नहीं है। ओहो दिस इज स्पाइसी, इस साइड से बहुत स्पाइसी है भाई, दुल्हन दुल्हन शूट करने जा रहे हैं यहाँ। अच्छा यहाँ पे शादियों का मैंने कई दफ़ा बताया अम्मी अब्बू कोई भी साथ नहीं होता, सिर्फ दोस्त होते हैं, एक लड़की का दोस्त, दो लड़की के, दो लड़के के, एंड दैट्स हाउ दे मैरिज गोज ऑन। अभी भी साथ में इनके दोस्त हैं। खैर व्हाटएवर, हम कुम्पीर पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आके पहला चीज़ जो आपने ट्राई करनी है ओर्ताकोए में आके कुम्पीर ट्राई करनी है, क्योंकि यार नो डाउट अच्छी लगे या ना लगे इट्स अ डिफरेंट टेस्ट जो कि आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पता होना कि आपने ट्राई क्या करना है। द फर्स्ट थिंग शुड बी कुम्पीर,
और यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल उड़ता हुआ में जो बैठे हैं ये एक्सपेंसिव देते हैं, ये लोग तकरीबन 200 से 400 लीटर के दरमियान में दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, जो मैंने लाइन दिखाई है आपको, वहाँ पे वो सारे लाइन में बैठे हुए हैं सुजीर वाले, उनसे लोग हैं ना, तो वो 130 का दे रहे हैं, तो इट विल बेटर फॉर यू, इवन तो इट्स द सेम थिंग, तो वहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिर चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। ओके फ्राइज, तो इसका सब लोग ट्राई करने आए हैं मीडिये, इनको मीडिये कहते हैं, जो कि है स्टफ मसल्स। और ये राइस है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हलाल हराम कहने पर जाते हो, हलाल है, एडिबल। अच्छा, स्ट्रीट फूड में जब भी यहाँ पे हो, ये मीडिया भी आप लोग लाजमी ट्राई करना, बहुत सारे ब्रांड है, बहुत जगहों से मिल जाता है, बंदे लेके भी घूम रहे होते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे कहीं कभी कर लेना, बिकॉज इट्स अ यूनिक टेस्ट। और ये हलाल है, ऐसा नहीं दिखने में अजीब लग रहा होगा आपको, बट अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। अभी एक कॉकरोच है, वो चल के देखते हैं। अब हम लोग कॉकरोच खाने आए हैं, कॉकरोच बोलने में कॉकरोच टाइप लग रहा है, बट रियलिटी में ये कॉकरेच है, टर्किश में इसको कॉकरेच कहते हैं, जो कि इंटेस्टाइन होती है, जो कि मेरे ख्याल से लोग खाते हैं, पाकिस्तान में भी खाते हैं, हम लोग शायद इतना नहीं खाते, बट यहाँ पे तुर्की में तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें, तो दुल्हन दुल्हन खाने आए हुए थे वहाँ पे। खैर, अभी हम यहाँ पे कॉकरेच खाने आए हैं, आप लोग भी कभी आओ तो कॉकरेच लाजमी ट्राई करना। आप जैसे पीछे देख सकते हो, ये आप देख रहे हो ना, ये आंतें बेसिकली लिपटी नहीं है, सारी ऐसे बहुत टाइटली पैक्ड है, और आग से वो फ्राई हो रही है, जैसे कि बिल्कुल वो कबाब नहीं बनाते, सेम उसी तरह से होता है। वहाँ से काटने के बाद ये अंकल जैसे देख रहे हो, ये जैसे काट रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे कटक कटक, लावा में क्या बांटते हैं इस तरह से बांटते हैं, उनको भी ऐसे कटक कटक करते हैं, I don't know क्या होता है। ये बना रहा है अभी, एक में करा से ब्रेड के अंदर रख के देगा, तो ओनली थिंग इसके कबाब की तरह होगा, बट ये कॉकरोच होगा, इसको ट्राई करते हैं। ये भी बिल्कुल यहाँ पे जब उड़ता कोई आओगे ना आप लोग, उड़ता कोई में बिल्कुल बाहर निकलते ही वहाँ पे कुम्फिर वाले आगे होगे, तो यहाँ पे कॉकरेच वाले सारे बैठे, तो ये ट्राई करते हैं। मतलब ये मैंने स्पाइसी है, क्योंकि इनको जितना भी कह देंगे ना स्पाइसी हो, फिर भी वो नॉन स्पाइसी होगा। तो मैं पहली एक बाइट ले रहा हूँ, बहुत गर्म है, और लेट्स सी फर्स्ट बाइट, मतलब है तो ब्रेड के अंदर ही, टू बी ऑनेस्ट बेटर देन द लास्ट वन, मे बी ये ताज़ा बनाया हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा ताज़ा है और फ्रेश है, रिफ्रेशिंग, गर्म गर्म, इतनी गर्म चीज़ कुछ भी नहीं है जितना ये ताज़ा दिया हुआ है। ओके फ्राइज, इस वक्त हम लोग मछली खाने के लिए आए हैं, मतलब लवाश टाइप जो रोटी होती है उसके अंदर मछली लगा के देते हैं। इस वक्त हम आए हैं गलाटा पोर्ट के ऊपर, उसकी साइड पे यहाँ पे ये मछली वाले अंकल होते हैं, जो कि बहुत सस्ती मछली दे रहे हैं इस टाइम, 70 rupees में मछली है, और एक्मेक के अंदर, एक्मेक रोटी को कहते हैं, उसके अंदर रख के देते हैं, और देख लो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश बना रहे हैं यहाँ, क्योंकि फ्रेश चीज़ें मिलना मुश्किल होता है तुर्की के अंदर। खैर, ये भी बनाते हैं और इसको ट्राई करते हैं, और ये कितने में लाइक हमें पड़ेगी, लेट्स सी कितना अच्छी है, इतना डिजर्व करती है हाइप या नहीं, क्योंकि अभी मुझे याद है अभी ये बंदा यहाँ पे नहीं आया था, हम वेट कर रहे थे, मैंने सामने चाय वाले से पूछा कि यहाँ पे ये यहाँ मछली वाला भाई होता है वो कहाँ पे है, तो उसने कहा वो आ रहे हैं, और ये बंदा अभी आया नहीं है, कि सारे बंदे वेट कर रहे थे और इतना रश लग गया अचानक से। खैर, हमने ऑर्डर कर दी अपनी, और लेट्स सी अभी बना ले, फिर देखते हैं। तो हमने ले लिया, ओके जी, हमने ले लिया, और अगेन ये भी खाना गरम दिया उसने फ़ौरन, आपने सामने देखा कि पहले से बनी हुई थी, फ़ौरन ताज़ी ताज़ी गरम की, रोटी को गरम किया, सॉस वगैरह डाला, मसाले डाले और कर दिया। तो मैं फर्स्ट बाइट लेने जा रहा हूँ, यहाँ से मछली भी नज़र आ रही है मुझे, टर्किश में ना ये खाना कहते हैं कि बहुत अच्छी है ना, उसको यूँ करते हैं, तो लिटरली बहुत अच्छी, मैंने इतनी अच्छी मछली वाला नॉर्मल में देते हैं एक में, वो दूसरी वाली मोटी वाली उसके अंदर रख के, बट ये लवाश के अंदर पतली थी, ये देखो सही तरीके से मसाले अच्छे, परफेक्ट है, स्ट्रीट फूड के वाले से सस्ता भी है,
70 रुपीज़ में ये रोल मिल रहा है मछली वाला, बहुत अच्छा। यहाँ पे हो तो यहाँ पे ट्राई करना, गलाटा पोर्ट है ना उसके राइट साइड पे, यहाँ पे देखो सारे पीछे मछुआरे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से गूगल मैप्स में हो सका तो लोकेशन टैग करूँ, हो गया तो उस तरह कर दूँगा। यहाँ पे आके आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके जी, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।